हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। वैसे भी गुड मॉर्निंग है नहीं, 2:40 हो चुके हैं। मैं 11 बजे उठा था, उसके बाद नहाया, अपना काम कुम किया सब कुछ, और फिलहाल अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट। मेरा ब्रेकफास्ट तो अभी है जो कि मम्मी जी ने बनाया। बाकी मम्मी जी का वर्थ है आज मंडे का। सारे मटर ऊपर आ रखे हैं और ये मैगी की तरह लग रहे हैं चावल, तो आई एम वेरी एक्साइटेड, जल्दी से खाता हूँ इसको मैं। एंड वहाँ पर बैठा देखो ओरियो। सर्दियों में इस तरह से खाने में काफ़ी मज़ा आता है, धूप आती है हल्की हल्की, तेज़ तो है नहीं, तो यहीं पे बैठ के सारे पूरी फैमिली यहीं पे बैठ के खाएंगे खाना। ओए गुड़िया, चाय पियोगे? क्यों दिक्षु बोल रहा है यार? गुड़िया ही है वो, गुड़िया हो ना, बना दिए सॉक्स दिखाना। तो एक तो ये हो गया, ये देखो प्योर ऊन के हैं ये बिल्कुल, इनमें एक्चुअल में ठंड रुकती है देखो। बट मम्मी जी के सॉक्स में ना एक खास बात ये है, जो वेस्ट हमारी होती है ना, क्या बोलते हैं, स्वेटर वेट वेस्ट हो जाती है, जो हम यूज़ नहीं करते फट जाती है, एक तो उनका यूज़ हो जाता है, ठीक है। ऊपर से ये देखो, ये इसमें ना अंगूठा अलग है, बाकी चार जो उंगलियां हैं पैरों की वो अलग हैं, तो इसमें हम चप्पल डाल सकते हैं और ऊपर से गर्म भी होते हैं, तो 3 एडवांटेज हैं इसके। अभी बज गए हैं 4:30 और आज सुबह से बिल्कुल भी व्लॉग नहीं हुआ है हमारा, कहीं बाहर जाने का तो प्लान है नहीं, देखते हैं क्या करेंगे, नहीं बनेगा तो फिर एक दिन छूट जाएगा हमारा। आज की सब्जी बनाएंगे पापा जी, देखो अभी कट कर रहे हैं लौकी की सब्जी, पापा जी सब्जी बना रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आज कुछ कंटेंट तो है नहीं, मैं रोटी बना लेता हूँ आटा उटा गूंद के। है मम्मी जी और भी अच्छी बात है, बोलो आटा मैं गूंथ कर रोटी आप बनाना, ठीक है? आज बना हुआ मेरे को भी मिल जाएगा, रोज मैं ही तो बनाती हूँ, आज मैं भी खा लूंगी तुम्हारे बनाए, कंटेंट भी बन जाएगा। सुनो सुनो सुनो, आटा मैं गूंथ दे तो रोटी थोड़ा बना देंगे। बस कोई टेंशन ही नहीं। चलो तो फाइनली कंटेंट मिल चुका है, आटा लेकिन सही से गूंथियो, पहले पहले हाथ धो के अच्छे से। इतना सारा आटा इससे नहीं गूंथा जाएगा, मैं गूंथ मैं ही गूंथूंगा, थोड़ा है गूंथा। आज मम्मी जी की छुट्टी हो गई डिनर के लिए, आज हम बनाएंगे। पापा जी यहाँ पे सब्जी बना रहे हैं, मैं आटा गूंथूंगा और सादा रोटी बनाएंगे, बड़ी आराम से लेट के फोन चलाएगी आज। सब्जी के लिए टमाटर कट कर दिए हैं, सब्जी बनानी तो आती है मेरे को, सब्जी मैं बना रहा, पापा जी नहीं बना रहे। चलो कोई बात नहीं, सब्जी काट पापा जी ने दी, बना हम लेंगे। आज मम्मी जी का वर्त है तो उसका एक एडवांटेज हमको ये मिला है कि आज प्याज की सब्जी नहीं बनेगी, मतलब जो ये लौकी की सब्जी बन रही है इसमें प्याज नहीं डलेगा, ओनली टमाटर डलेगा, तो खाने में मजा आएगा। एज यू गाइज नो आई डोंट लाइक प्याज की सब्जी जिसमें सब प्याज डाला हो। मी टू। डाल दो टमाटर, डाल दो क्या? नहीं कहा, डाल देता हूँ। पागल है क्या? जब दिल्ली गया था कितने साल हो गए? मेरे को आती है, मैं बनानी टेंशन ना लो। मैं पूछ रही हूँ कितने साल हो गए? 2016 की बात है। फिर 16 की बात है, अब कितना है? 18, 19, 20, 21 फिर ये देखो 5 साल फिर और 5 साल तक घर आके तूने कभी सब्जी नहीं बनाई, बनाइए बता, भूल नहीं गए? अब बना तो रहा हूँ, फिर मैं बना फिर बना रहा हूँ, टेंशन ना लो। फिर वो बोलेगा मेरे को जैसे बनाओ खा लेना, खाने वाली बात नहीं है, एक आना तो चाहिए। आता है मुझे, मैं दिल्ली में पूरे 1 साल तक था, मैंने खुद खाना बनाया, खुद रोटी बनाई, खुद सब्जी बनाई, आपको पता है गाइस मेरा स्ट्रगल टाइम था वो, मैं कभी किसी दिन वीडियो में बताऊंगा आपको अच्छे से, मेरे को अच्छा कुछ आता है बनाना। हाँ अब मैं मसाले डालूंगा, मसाले रखे है ना, नमक इतना डाल सकते है ना, इतना डाल सकते है ना, इतना हंस के रहे बता दो, सब्जी बना रहा है डाल दो इतना। हाँ, डाल दी और हल्दी इतनी, मिर्च इतनी, ये और ये इतना। हमारे घर पे जो सब्जियों में मसाले यूज होते हैं वो कुछ इतने हैं, देखो थोड़े से हैं, कोई ज्यादा नहीं है, हल्दी है, मिर्च है, नमक है, गरम मसाला है और धनिया है, बस और कुछ भी यूज नहीं होता हमारे घर में, सिंपल सब्जी बनती है जो कि सिंपल ही सही रहती है मेरे ख्याल से, ज़्यादा मसाले वाले अच्छी नहीं होती है, वैसे खाने में तो वही टेस्टी लगती है जो बाहर की होती है फुल मसाले वाली। तो अब बारी है मेन सब्जी की जो कि है लौकी, वैसे हाथ से तो बहुत टाइम लग जाएगा, हिलाओ मत ना, नीचे मत करो, ऐसे पकड़ो। ऐसा लग रहा है पनीर के पीस हैं, मन करे ऐसे ही खा जाओ, बस सिंपल है सब्जी बनाना, सब्जी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा मुश्किल काम है रोटी बनाना, रोटी गोल बनाना, रोटी अच्छे से फूले, पानी तो सही हो रहा है, बस अब इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, अराउंड आधे घंटे में अच्छे से बिल्कुल सब्जी बन जाएगी। इतने में हम आटा गूंथ लेते हैं, आटा मैं गूंथूंगा, मैं गूंथूंगा ना, आपने सब्जी बनाई, क्यों नहीं गूंथा जाएगा? क्या बना रहे हो खराब? और विनोद, तो गाइस हमारा इतना आटा खुद गूंथना, चलो गूंथते हैं। बेटा हाथ धोए थे ना पक्का? अरे धोए थे यार, नहीं धोएंगे ना मार खाएगा, तमीज में रह के कर ले, सारा हाथ में चिपका लिया, आटा हाथ में चिपकना नीचे।
पानी ज्यादा मत ठोक उसमें, गीला हो जाएगा। चुप एकदम चुप। भाई इसकी रोटी तू ही खाइयो। एक तो गंदे हाथ है, ऊपर से उसमें पता नहीं क्या हाथों में चिपका दिया पूरा। यार हाथों पे चिपकनी नीचे पीयूसी, सीरियस कह रहा हूँ मैं, हंस मत इतना। हाथ पे नहीं चिपकना चाहिए। आटा गूंथते है ना तो आटा अलग होना चाहिए, हाथों पे चिपकना नहीं चाहिए। हाथ लगाओ नहीं। अब पानी मत डाल दियो, कहीं और पानी डाल दे इसमें। तभी कह रहा था मुझे गूंदने दे, सारा हाथों में चिपका लिया। गूंद उसको, गूंद गूंदते हैं उसको। गूंदने का मतलब गूंदना होता है ना कि ऐसे खेलना। तेरे से बर्तन तो संभल नहीं रहा, तू आटा क्यों गूंदेगा? हमको आटा गूंदने का 20 साल का तजुर्बा है। 20 साल का तो खुद है। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं बोलने से पहले। सोच समझ के कुछ बोलता भी है, सोचने के लिए दिमाग चाहिए। 150 रुपया लेगा आटा गूंदने का। देखो 150 रुपया भी नहीं दूंगा मैं। जी और बाहुबल अब गूंदूंगा। तो गाइस देख लो, इसे एक बर्तन नहीं संभल रहा है, इसने पैरों के बीच में फंसा लिया उसको ताकि हिले ना। आटा गूंदेगा ये। अगर तूने ना खराब गूंदा होगा ना तो मैं रोटी भी नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं खुद गूंदता हूँ ना तभी मेरे से रोटी अच्छी बनती है। भाई इतनी देर में ना मैं ऐसे ऐसे 10 आटे गूंद दूं। तेरे को 20 मिनट हो गया था गूंदते। क्या कर रहा है ये? गूंदने उसको, गूंद। गूंदने का मतलब क्या होता है? पकड़ के खींचना नहीं होता, पकड़ के गूंदना होता है। कहा था ना पानी ज्यादा मत डाल, पानी ज्यादा हो गया, आटा गीला हो गया। ये देखो गाइस आटा बिल्कुल गीला हो चुका है। अब देखियो, अब मम्मी तेरी खैर नहीं है। जाओ ना। ले भाई ले। सूखे आटे से क्या कर रहा है? सूखे आटे से क्या वो गीलापन खत्म हो जाएगा? हाँ, वो ही तो होगा। भाई ऐसे नहीं होता, क्यों नहीं होता? स्टार्टिंग में पानी का ध्यान रखना पड़ता है। देख सारा आटा खराब करके रख दिया। क्या कर रहा है तू? ये तेरे को बोला था पानी मत डाल कह रहा था तेरे को पानी में। अभी तक रोटी आटी बन के खा पी के तैयार हो जाते हम। भाई मैं तो वीडियो बंद कर रहा हूँ, इतनी देर से 25 मिनट हो गए वीडियो को बनते हुए। गीला है देख, सारा नीचे चिपक रहा है। नहीं है यार तू इंसान, तेरे को मन कह रहा था मैं करूंगा। मुझे गूंदने दो। आटा इसने खराब कर दिया है, देखते हैं ये कब तक ठीक करता है। बिकॉज वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो मैं जब ये कम्प्लीट होगा तभी आपको एक कुछ करोड़ों साल बाद मिलूंगा, ठीक है? तो फाइनली जैसे तैसे करके इसने सूखा आटा मिला मुलू के ठीक कर लिया आटे को। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। लेकिन जितना टाइम तेरे को लगा है ना, आधा घंटे ही ज्यादा लग गया। तो अब काम है मेरा इसकी रोटियां बनाने का, तो देखते हैं किस तरह की रोटियां बन पाती है। अगर अच्छे से गूंदा होगा तो डेफिनेटली अच्छी बनी होगी, अगर अच्छे से नहीं गूंदा होगा तो अच्छी नहीं बनेगी। लेकिन आटा गूंदने के साथ साथ जो चटाई का हाल किया है ना, देखो पूरा आटा आटा हो गया नीचे। इसके लिए भी डांट पड़ सकती है मम्मी से। अच्छा गया ना? ढीला है ना। देखो मैंने पहले ही बोल दिया था मम्मी, इसने इतना पानी ठोक दिया उसमें। वैसे मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है रोटी बनाने का, मैंने एक दिन में 30 से भी ज्यादा रोटी बना रखी है एक टाइम में, 30 से भी ज्यादा। अपने वहाँ पे रूम में जब कुछ फ्रेंड्स आए थे हमारे, तो मैंने बनाई थी 30 रोटियां अकेले ने, जब मैं दिल्ली में था। मुझे याद है, दिल वो बताएगा किसी दिन आपको अच्छे से। फिलहाल अभी बनाता हूँ, देखते हैं। वैसे इसने आटा खराब गूंदा जैसे कि मैंने बोला कि ढीला है, तो उसमें रोटी बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी मुझे, तो वो जो भी है देखा जाएगा। ले ये देखो इसने आटा क्या गूंदा है, हाथों पर चिपक रहा है। अब इसमें मुझे ये सूखा आटा मिक्स करना पड़ेगा। इसको बस इस तरह से करके ताकि थोड़ा और वो हो जाए, इस तरह से डाल दो। बस अब इसको पलटना है, जल्दी से दूसरी रोटी तैयार कर लेते हैं। गोल गोल इसको पलटा देते हैं। ये देखो अभी बस फूलने का देर है शायद। अगर नहीं फूलेगी ना तो ये वाला सीन डालेंगे नहीं, जो रोटी फूलेगी वही सीन डालेंगे, ठीक है? इधर दिखा फूल रही है, इधर दिखा। वाह फूल रही है, वाह फूल गई। तो गाइस देख लो कितनी प्यारी रोटी बनाई है मैंने, कितनी प्यारी, मजा आ जाएगा सबको खा। कैसी है? अच्छी है, सही है। तीसरी रोटी गोला बनाओ इसका। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि रोटी किस तरह से बनानी है। रोटी इस तरह से बनानी है, सबसे पहले तो आटा ले लो हाथ में, उसको गोल कर लो इस तरह से, अगर इस तरह से। फिर उसको सूखे आटे में डाल दो इस तरह से, पिचकाओ हल्का सा, नहीं मतलब प्रेशर दो, इसको पलटते रहना है। लेकिन जो रोटी यहाँ पर रखी है उसको पलट देना बहुत जरूरी है, जल्दी जल्दी से इसको वो करना है। ये नहीं है एक रोटी बन रही है तो उसी पर लगे रहोगे, साथ में दूसरी रोटी भी रेडी रखनी है। देखो वहाँ पे वो तल रही है, तल नहीं रही, क्या बोल रहा हूँ मैं, पक रही है। पकी गई होगी, अभी फूलेगी, देखना फूलेगी। इधर देखो गाइस कैसे फूल रही है, वाह पूरी रोटी फूली है ये। तो गाइस ये है सक्सेस का राज, ये वाला सीन डालेंगे, ये वाला सीन। तो गाइस ये देखो, ये सक्सेस का राज। वाह भाई जला दी। जली नहीं है यार वो, अच्छी है भाई। यार अब कॉल किसका है रोटी बनाते हुए, कॉल मत करो, पता नहीं। ओए कपड़े गंदे हो गए, देखियो फूलना बहुत जरूरी है, अगर फूली है तो पकी है,
नहीं फूली है तो खाने में मजा भी नहीं आएगा और पक्की भी नहीं होगी। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे। अब इसकी बात देख, फूलेगी, पक्की बात है, पूरी रोटी फूलेगी। दिखा 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 दिखा, ये सीन भी डालेंगे। ये देख पूरी वाइट, ले नहीं चली, फुलानी आनी चाहिए। देखो गाइज, इसी बात पे लाइक कर देना गाइज। देख लो रोटी बना के दिखा रहा हूँ आपको मैं, पूरी फूली हुई। भाई इतना बेकार आटा गूंदा है तूने, सब उसी का नतीजा है ये। फिर भी भाई देख, फिर भी फूल फुला रहा हूँ रोटियों को तेरी। क्या तो 150 रुपया लेगा, क्या कर रहे हैं? जल्दी दिखा फूलेगी, दिखा दिखा फूलेगी। भाई रोटी बनानी आनी चाहिए भाई। बस भाई यार थोड़ी देर रहने दे, 2 मिनट जल जाएगी फिर वो। नहीं जलती, 2 मिनट रहने दे। बस देख, बस आप सही हो गई। देख तो मुझे कैसा लग रहा है आज आपको मैं रोटी बनाए खिलाने वाला हूँ। मेरे को रोज खिला दिया कर मम्मी जी। रोज इतना कुछ ना, वो आज बना रहा है, रोज बना दे, रोज ही बनाएगा। रोज बना लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। रोटी बनाने की टेंशन, ज्यादा दिन में भी तो बनाया हुआ खा लूंगी। अरे बनाएंगे, आप टेंशन ना लो, रुक जाओ आप। आपको आपका बेटा बैठ के खिलाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मम्मी जी। मम्मी थैंक यू, चक्कर में चल जाएगी। तो कभी तीसरी बार रोटी लौटाएगा ना तो फिर वो फूलेगी। फिर तो फूलेगी, मुझे पता है। बस बस छोड़ दूं, बस ये दे। थैंक यू, मैं गोल कर दूंगा। टेंशन की फट गई है, गोल कर दूंगा। टेंशन ना लो, मुझे कब सीखेगा तो रोटी बनाना। एक रोटी है वो, ठीक है। फूल कहाँ फूलेगी, वो पकी नहीं है, पीछे से फूलेगी कहाँ। ये होती है रोटी, देखो ये होती है रोटी, ये होती है रोटी, रोटी है। उसने क्या बनाई है, उसने रोटी बनाई है, मैंने बनाई है रोटी। देखो अच्छा, देख कितनी गोल रोटी बनाई है सौरभ ने। मैंने बनाई है, खा के देखना किसकी अच्छी है। चलो गाइस ठीक है, बाय बाय। रोटी बन चुकी है, सब्जी बन चुकी है, अब खाने का टाइम है। तो चख के बताना कैसी बनी है रोटी एंड सब्जी। म्यूट कर दे, म्यूट। हाँ तो अपना खाना तो आ चुका है गाइस, सब्जी एंड रोटी। आज देखो, आज मेरे आज सौरभ ने बनाई है सारी रोटियां। थैंक यू। मैंने बनाई है रोटी, एक रोटी बनाई है साहिल ने। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू सो मच। और पीयूष ने आटा गूंदा था। थैंक यू। आप क्यों बोल रहे हो? पापा जी कैसी हो रही रोटी? मस्त। चाचा जी कैसी हो रही? बढ़िया। थैंक यू सो मच। कोई टेंशन की बात नहीं, थैंक यू मत बोलो आप, थैंक यू मत बोलो, बस आशीर्वाद दो। तैसे पूछा ही नहीं है, तेरे लिए मैंने जानबूझ के ऐसी इसके लिए मैंने जानबूझ के ऐसी बनाई है। तो खाना पीना खा के मैं ऊपर आ गया था, पीना पी के खाना खा के मैं ऊपर आ गया था। और फिलहाल एडिटिंग भी कंप्लीट कर ली है मैंने, अभी अपलोडिंग लगानी है बस, और तो क्या है। और अपना रात का जुगाड़ भी कर लिया खाने का, ये देखो संतरा है आज, कुछ गाजर भी लाऊं, एक गाजर भी काफ़ी अच्छी होती है, और सेब भी हैं, तो यही खाएंगे फ्रूट्स रात को, और तो कुछ नहीं। और आज मैंने काफ़ी टाइम के बाद रोटी बनाई है, लास्ट टाइम मेरे को याद नहीं है मैंने कब बनाई थी, और फिर भी बिल्कुल सही बनी है, फूली है, जैसे कि आपने देखा। सारे काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे थे, तो हाँ इस बात पर लाइक कर देना। और अगर आप कहोगे तो मैं और भी बनाते रहेंगे, इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। वैसे खाना थोड़ा बहुत बनाना मुझे आता है, तो बस ऊपर आज कोई आया नहीं स्टूडियो में, बिकॉज मम्मी जी का तो वर्क था, तो मम्मी जी खाना खा के सो गई थी। बाकी फिर मम्मी नहीं आई तो फिर और कौन आएगा, एंड ओरियो सो रहा है यहाँ पे, देखो ये रहा ओरियो। चलो इसको सोने देते हैं, फिलहाल मैं इस व्लॉग को करता हूँ एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा, बताना कमेंट करके कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करके जाना एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिल देगा जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तेरे आटा गूंदने का मेरे को एक फायदा पता है क्या होगा, कि मैं तेरे को ब्लेम कर सकता हूँ अगर मुझसे अच्छी रोटी नहीं बनी तो। मैं कह दूंगा तूने आटा ही अच्छा गूंदा है, फायदा हो गया इसके आटा गूंदने का। डालूंगा नहीं, एडिटिंग मेरे हाथ में, एडिटिंग मेरे हाथ में डालूंगा ही नहीं। अब ये ब्लॉग में क्यों बोला आपने?